चुनमुन नानी की कहानी। चुनमुन नानी की कहानी में मैं आज सुनाने जा रही हूँ अ वेरी फुल मॉर्निंग बाय ईवा मॉन्टेनारी। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। इन लोगों का पहला दिन स्कूल का है और पहले दिन क्या क्या होता है वो इस कहानी में बताया है। Tonight, little tooth tried to go to bed early. उस दिन रात को छोटा दांत जल्दी सोने गया। Tomorrow morning, she has to go to a very special place. अगले दिन उसको एक बड़ी खास जगह जाना था। But as the hours pass, eyes are still open and her head is full of thoughts. पर जैसे जैसे घंटे बीते उसका दिमाग फिर भी चल रहा था, आंखें खुली की खुली थी और दिमाग में कुछ न कुछ बातें चल रही थी। उसको बहुत बहुत विचार आ रहे थे। Finally, the special morning arrived. आखिर में वो खास दिन सवेरा आ गया। Little tooth chooses a dress from her closet full of clothes and she has a very special breakfast. वो अपनी अलमारी में से एक कोई अच्छी ड्रेस पहनने के लिए चुनती है क्योंकि आज उसको स्कूल जाना है नया कपड़ा पहन के। She sets off and comes to a gate full of bars. वो चल पड़ती है और लंबी लंबी सलाखों वाली एक दीवार के पास आती है। वहां से शी वॉक्स अलोंग ए पाथ फुल ऑफ स्टोन्स और एक रास्ते में चलती है जिसमें कंकड़ पड़े हुए थे, उसमें से जाती है। शी कम्स टू ए यार्ड फुल ऑफ बैग्स। फिर उधर एक पूरा स्कूल का मैदान देखती है जहाँ बहुत सारे स्कूल के बैग लेके सब बच्चे बस्ता लेके जा रहे हैं। दूसरे बच्चे भी हैं, वो सब उसी के जैसे ही हैं, तरह तरह के बैग लेके जा रहे हैं। शी फॉलोज द बैग्स टू ए कॉरिडोर फुल ऑफ डोर्स। फिर वो उन बैग को पीछे पीछे जाके ऐसी जगह जाती है जहाँ बहुत सारे दरवाजे एक के बाद एक लाइन से लगे हुए थे। वो दरवाजे क्या थे? क्लासरूम्स थे बच्चों के। जस्ट वन डोर इज ओपन, लिटिल टूथ लुक्स इन, देयर इज अ रूम फुल ऑफ टेबल्स। एक कमरा खुला हुआ था, वो उसने देखा कि उसमें बहुत सारी मेजें लगी हुई थी। The tables are full of ears. वो दूसरे दूसरे बाकी बच्चों के कान ऊपर ऊपर दिखाई दे रहे हैं, लंबे लंबे कान दिखाई दे रहे थे। At the end of the room, there is just one free table. It's full of books. कमरे के अंत में एक टेबल है दूर पे जिसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। In the middle of the books, there is a space. Little tooth looks through. किताबों के बीच में जगह खाली है और छोटा दांत उसमें से झांक के देखता है तो देखती है उसे कि the room is full of watching eyes. देख रही है कि दूसरी आंखें भी सब देख रही हैं। Full of closed waiting mouths. सब लोग के मुंह बंद हैं और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई बोलेगा। Behind the books there is just one bunny. She has her mouth open. And she feels very afraid. और दूर पे मेज के पीछे एक छोटा खरगोश बैठा हुआ है, छोटी खरगोश, और उसका मुंह खुला हुआ है।
वो भी ऐसा लग रहा है कि बहुत डर रही है। इन द रूम वेरी फुल ऑफ बैग्स टेबल्स बुक्स ईयर्स एंड बनीज अ वॉइस सेज आई एम योर टीचर इट्स माय फर्स्ट डे ऑफ स्कूल एज वेल। इतने सारे किताबों और बस्ते और कान और आंखों के बीच में से टीचर की आवाज आती है और वो क्या कहती है कि मेरा भी आज पहला दिन है स्कूल में। सो नाउ द रूम इज फुल ऑफ स्माइल्स। सब लोग खुश हो जाते हैं कि टीचर भी नई है, हम लोग भी नए हैं, सब बच्चे और क्लासरूम भी नया है। पहले दिन ऐसा ही अनुभव होता है बच्चों को स्कूल में, है ना अच्छी कहानी।